किसी भी फिट इंसान से पूछ लो, वैसे फिट एक बहुत रिलेटिव टर्म होता है, ध्यान रखना, कभी भी अपने आप को अनफिट मत समझना। खैर, अगर उनसे पूछ लो कि क्या दाल, चने, मटर, मूंगफली ये सब हेल्दी होता है क्या, तो एकदम चिल्ला के कहेंगे कि हाँ भाई ये तो हेल्दी है, लेंटिल्स है, प्रोटीन है वगैरह वगैरह। पर सवाल ये आता है कि जब इन्हीं दाल, चने और मूंगफलियों को जब फ्राइड करके पैकेट में बेचा जाता है, जो हम दबा के खाते हैं चरते चरते नाश्ते में, तो क्या ये तब भी हेल्दी रहते हैं? बताते हैं आपको इसके बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कायदे से तो मूंग दाल, चने की दाल, मटर, चने, मूंगफली सब अच्छा खासा प्रोटीन देते हैं। इनमें फाइबर भी होता है और काफी आयरन और जिंक भी होता है। पर पूरा कष्ट ये है कि जब इन्हें डीप फ्राइड किया जाता है, और वो भी एक ही ऑयल में बार बार डीप फ्राई किया जाता है, तो इनके अवगुण इनके गुणों को पार कर जाते हैं। जो डीप फ्राइड के बाद सैचुरेटेड फैट घुसेगा आपके शरीर में, वो आपको मोटा करेगा, इन्फ्लेमेशन लाएगा, और जो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी मतलब इफेक्टिव कम कर देगा। तो स्नैक्स के अल्टरनेटिव में मखाने वखाने खाओ यार, रोस्टेड मखाने बहुत ही शानदार होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। न्यू प्रोडक्ट में दिया एक रेफरेंस आपके लिए, तो हेल्दी खाना खाओ और मस्त रहो। बाकी कमेंट्स में बताइए क्या आप हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे ही ठूस लेते हैं जो मिला वो।